टेस्ट में, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। देखिए पहले कुछ कमेंट्स लेते हैं, फिर एक स्टॉक पे हम बात करेंगे। मनोज कुमार राय साहब ने पूछा है, बराई साहब ने, विल इट बी जीरो इफ़ आई होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई वॉन्ट 700 शेयर्स एट द रेट 17, वट टू डू, सेल और होल्ड। इन्होंने सकुमा एक्सपोर्ट पे पूछा है हुआ है, और दूसरा इन्होंने फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरी आईडी से भी शायद पूछा, वो डेली और लोअर सर्किट लग रहा है, व्हाट टू डू, होल्ड और एग्जिट, स्टॉक ख़त्म हो जाएगा क्या? देखिए दो चीज़ें हैं कि सकुमा एक्सपोर्ट्स में पिछले दो क्वार्टर से जो प्रमोटर्स हैं इसके अपने शेयर्स गिरवी रखते जा रहे हैं, और उसकी जो होल्डिंग वो गिरवी की वो मात्रा बढ़ती जा रही है। अभी 14%, पहले उसमें 9% थी, अभी इस क्वार्टर में 14%, और क्वार्टर वन के जो आने वाले हैं तो उसमें क्या स्थिति होगी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अंदर क्या चल रहा है मैनेजमेंट में क्या कह सकते हैं हम लोग, जनरली एक एक्सपोर्ट की कंपनी के जैसे अनुमान लगाते हैं उसके फंडामेंटल देख के, उसके नेट सेल्स देख के, उसके वर्तमान स्थिति को देख के, उसके रिटर्न स्थिति को देख के, उसका आरओई आरओसी, तो जब तक अच्छा रहता है तब तक स्टॉक परफॉर्म करता रहता है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इस हिसाब से जैसे एक्सपोर्ट में इनके सारा काम है, दाल चावल शुगर ऑयल ये सब चीज़ें, कॉटन एक्सपोर्ट करती है कंपनी, तो नो डाउट प्रोडक्ट वाइज बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो इस वजह से, और अच्छा रिटर्न भी बना के दिया। एक मल्टीबैगर थी, कुछ दिन पहले ये स्प्लिट हुई जिससे 450 सीधे 10 टुकड़ों में बट गई थी, और उसके बाद से फिर यथास्थिति ऐसी बन गई कि काफ़ी इसमें ट्रेडिंग होने लगी, और उस हिसाब से फिर अंदर क्या चल रहा है, प्रमोटर्स जो गिरवी रख रहे हैं वो दुखद है थोड़ा सा, और उस वजह से हम लोगों के लिए भी, शेयर निवेशकों के लिए भी अलर्ट है कि अभी इस कंपनी किस नीचे लेवल तक जा सकती है, जिस हिसाब से अभी ये 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और डेली लोअर पर लोअर सर्किट लग रहा है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपने 700 शेयर सब 17 के भाव पे लिए हुए हैं, तो आपने जिस हिसाब से लिया हुआ है उस हिसाब से आपको लगता है कि इसमें से निकल के हम किसी ऐसे स्टॉक पे घुसा जा सकता है जो कोई दूसरी कंपनी हो, या फिर आप पैसा इसको बचा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे रिस्क अपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरे पास समय है, मैं इस पर बना रहना चाहता हूँ, तो जब भी मार्केट में कुछ अच्छा समय आएगा, या हो सकता है इसके भविष्य में अगर कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएँ तो बाउंस बैक भी कर सकता है, लेकिन अभी उम्मीद फ़िलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए गुंजाइश नहीं लगती है। तो बिल्कुल आप अलर्ट रहें, और मैं कोई भी इसमें सलाह अभी इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हैं इसमें, क्या मैं आपको सलाह दूँ, बट अलर्ट मैंने कर दिया है कि प्रमोटर्स जो है इसके शेयर्स गिरवी रख रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और जिस हिसाब से वॉर ट्रेड चल रहा है तो अभी इनका एक्सपोर्ट का भी प्रभावित हो रहा है, नेट सेल्स वगैरह काफ़ी डाउन हो क्वार्टरली। विशाल विश्वकर्मा साहब ने पूछा है, रेपको फाइनेंस का वीडियो बनाएं, ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। अश्विनी कुमार, प्लीज़ क्लोज मेकिंग पेड वीडियोस, मैं पेड वीडियोस नहीं बनाता। यहाँ पे इन्होंने इस वीडियो पे कमेंट किया जिसमें मैंने बोला था कि पक्का अरबपति बनोगे, एक ब्रिटानिया इंडस्ट्री काफ़ी नीचे के लेवल पर आ गई थी, तो मैंने उस पर एक रिव्यू दिया था, तो मैं पेड वीडियोज़ नहीं बनाता, ये आपकी गलतफहमी है, मैंने सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए एक थंबनेल शायद मैंने लिख दिया होगा, बाकी मैंने अंदर रिव्यू भी यही दिया होगा कि अगर 100 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका 10 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, इस वीडियो मैंने कहा है, और अगर मुझे कोई पेड वीडियो कहता है तो मैं 100 के 100 लगवाने की बात करता, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कोई भी अपना पैसा आप एक सेक्टर या एक स्टॉक मत डालिए, तो ये पेड वीडियो नहीं है, आप बेफिक्र रहें। और यहाँ पे सुखदीप सिंह ने कहा, सर नियोजन पे एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। सुखदीप जी, मैंने पहले ही बनाया था, अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ गए होंगे शायद, मैं अभी चेक करके इस पर फिर से फंडामेंटली अपनी राय दूंगा। लुमेक्स ऑटो टेक के बारे में वीडियो बनाइए, आई हैव 250 क्वान्टिटीज़ और 138 पे है, तो काफ़ी, हाँ नो डाउट इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की ये कंपोनेंट्स या एंसिलरीज है जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है गाड़ियों के, तो अभी पूरा ऑटो सेक्टर चरमराया हुआ है, अभी उनको इलेक्ट्रिक कार के लिए भी फोकस कर रहे हैं, तो नो डाउट कंपनी बेहतरीन कंपनी, बढ़िया है, काम अच्छा करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपका लंबा समय 3 से 5 साल, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लॉस बुक करें, अगर आपके पास है समय और पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बने रहिए, लॉस मत बुक कीजिए, ये मेरी अपनी राय है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। और प्लीज़ सर बताइए, मैंने बाई किया 96 पे, इन्होंने जेके टायर पे पूछा हुआ है, इन्होंने लुमेक्स पे पूछा था, इन्होंने जेके टायर पे पूछा हुआ है वीडियो पे, 96 पे आपने लिया हुआ है, 56 में आ गया है, तो दोस्त मैंने बिल्कुल आप काफ़ी पहले लिए होंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वार्टर पहले भी जेके टायर्स के बारे में रिव्यू दिया था, और उस समय मैंने कहा था कि और इसमें नीचे गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे उस समय, और कर्ज़ा भी काफ़ी था इस कंपनी पे, तो उस समय मैंने ये सलाह दी थी कि अभी थोड़ा सा दूर रहिए, और अगर आपने ले लिया है तो आप देखिए पैनिक मत करिए, आप पैनिक में बेचिए मत, और क्योंकि टायर बनाती है जेके टायर की कंपनी, शानदार है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इसका व्यापार है, और
ये भी ऑटो सेक्टर से ही रिलेटेड है क्योंकि ये भी टायर्स वगैरह बनाती है, तो इसमें भी थोड़ा प्रभाव ऑब्वियसली पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपका लंबा समय है पॉइंट ऑफ तो बने रहिए इस कंपनी पे, और अगर आपको अगर आगे भी अच्छे फंडामेंटल्स इसके नहीं आते हैं तो अगर भविष्य में कभी आते हैं तो हो सकता है कि आपको अपना भाव मिले तो निकल जाइएगा, और लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं जेके टायर्स पे तो आप बने रहिए, लॉस बुक मत कीजिए क्योंकि आधा प्राइस काफ़ी डाउन साइड हो चुका है, आधा प्राइस तो नहीं लेकिन काफ़ी गिरावट आ चुकी है। सर सकुमा एक्सपोर्ट के बारे में, सकुमा एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा और मैंने वीडियो में वर्बली कह भी दिया है और टाइप भी मैंने कर दिया है। तो चलिए हम जेके टायर्स के करंट स्टेटस क्या, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं जून वन के, क्वार्टर वन के, तो मैं दिखा देता हूँ। मार्च 19 से अगर हम जून 19 में क्वार्टरली देखते हैं तो यहाँ पे नेट सेल्स में भी देखिए डाउन साइड है 4.82% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 8.21% की डाउन साइड है, हालांकि ब्याज थोड़ा सा कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जो है यहाँ 50% की गिरावट है, मार्जिन में भी यहाँ पे डाउन साइड है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर में नेट सेल्स में थोड़ी सी बढ़त है 5.57% की बजाय जून 18 से जून 19 में, तो ये थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगेन यहाँ पे जो है 26% की डाउन साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 73% की डाउन साइड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 4% की, मार्जिन में भी डाउन साइड है। तो इस तरीके से रिजल्ट इनके इस बार के भी अच्छे नहीं आए हैं जेके टायर्स के, और कि इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा, देखिए 56.50 रुपये पे आज ये हरे निशान पे है। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 12:27, 7 अगस्त 2019, साल का हाई था 134, लो बनाया 54, और जो मार्केट कैप है देखिए 1388 करोड़ की हो चुकी है। ईपीएस है 5.24 की, पी रेशियो 10 की है, इंडस्ट्री पी 16 की है, डिलीवरेबल है 28% के आसपास, फेस वैल्यू 2 की है। तो जेके टायर्स में भी अभी जो नए इन्वेस्टर से थोड़ा सा दूर रहे हैं अभी, जब तक इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते या फिर पूरा ऑटो सेक्टर जब तक से उबर नहीं आता तब तक आप पैसा किसी और सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो एफएमसीजी की तरफ आप जा सकते हैं। एफएमसीजी अभी थोड़ा सा उस पर इतना दबाव, या आईटी सेक्टर में भी आप कुछ कंपनियां चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मैंने अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और उन पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा फ्रेंड्स, और अगर आपको कुछ भी, हाँ मैं रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ आपको जेके टायर के, आपको कुछ भी रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, वीडियो लाइक करना ना भूलें। और 10 सालों में 207% के रिटर्न ही रह गए हैं, बाकी लगातार 5 सालों से यहाँ पे लाल के निशान पे, आज थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।